आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है, कौन सा कारक एथनोइक अम्ल को फिनाल की अपेक्षा प्रबल अम्लीय बनाता है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, हमें ये पता होना चाहिए पहले एथनोइक अम्ल क्या है। एथनोइक अम्ल है CH3COOH, इसे ही क्या कहते हैं, एथनोइक अम्ल, मतलब एथेनोइक अम्ल। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल। ठीक है, और एसिटिक अम्ल इसे कहते हैं। अब देखो फिनॉल, फिनॉल मतलब फिनॉल का फॉर्मूला होता है हमारा ये, समझे क्या होता है, ये होता है फिनॉल का फॉर्मूला। अब देखो हमें ये पता है प्रबल अम्लीय होता है, इसके बारे में बताना है। तो देखो हमें ये पता है कि होता क्या है, फिनॉल जो है, और यह हमारा अम्ल क्या मतलब ये होता है कि जो आसानी से क्या दे दे, आसानी से H प्लस आयन दे दे। ठीक, H प्लस आयन दे दे, तो जो जितनी आसानी से H प्लस आयन दे देगा वो उतना ही अच्छा अम्ल होगा। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे इस जगह हम बात करेंगे, तो हमारा देखो क्या है, हमारा ये तो एक अम्ल है, एक ही है। तो देखो पहले देखते हैं CH3COOH2O के साथ अपघटन कराए, ये क्या देगा, CH3COOH+H3O+ हाइड्रोनियम आयन ये बना। ठीक, और जो हमारा ये है, ये क्या करेगा, ये आएगा, ठीक, ये आएगा OH, ठीक, डबल बॉन्ड ऐसे रहेगा, प्लस H2O, ठीक, ये बनाएगा हमारा फिनॉक्साइड आयन, ये देखो ये बनाएगा हमारा O-, ये ऐसे करके ऐसे, और प्लस H3O+। भैया देखो इससे तो पता चल रहा है, ये भी H+ दे रहा है, ये भी H+ दे रहा है, दोनों हाइड्रोनियम आयन बना रहे हैं, मतलब ये होगा कि दोनों अम्लीय हुए, ये तो बात क्लियर है। लेकिन अभी ये देखो कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा अम्लीय है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रबल अम्लीय, तो देखो वो ज्यादा अम्लीय होगा जो आसानी से H+ दे देगा। अब देखो जैसे ये वाला है, ये वाला है, हमें ये देखना होगा कि जो है यहाँ देखो इन दोनों में क्या है, जो CH3CO- है, इसमें हम देख रहे हैं, जब इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्या इसका जब हम फार्मूला देखेंगे तो क्या है, देखो ये C है, ठीक है, ये ओके, ठीक, ये O-, ये डबल ऑक्सीजन, ठीक। अब जब इसकी हम अनुनादी संरचना बनाएंगे तो देखो क्या हो रहा है, वो ऑक्सीजन वहाँ है, ये अब ये वाला डबल बॉन्ड होगा, ये और मतलब ये हुआ जो ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन उठ के इस वाले ऑक्सीजन से उठ के इस वाले ऑक्सीजन पे, मतलब ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे, मतलब इसका जो ऋण आयन है, मतलब ये है, ये कहाँ से ऑक्सीजन से उठ के ऑक्सीजन पे आ रहा है। और हमें पता है ऑक्सीजन की वैद्युत ऋणात्मकता बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इस ये इस मतलब मैं अगर सिंपल भाषा में बोलूं, वो ये इस ऋणायन को, ऑक्सीजन इस ऋणायन को आसानी से मतलब बहुत अच्छे से रख लेगा, ठीक है, मतलब इसका जो स्थायित्व है वो अच्छा है। अब हम इस वाले फिनॉक्साइड आयन की बात करते हैं, फिनॉक्साइड आयन में दोस्तों क्या है कि अगर हम देखें, ठीक, तो ये देखो ये ऐसे है O-, ठीक, ऐसे, तो ये जब ये अनुनाद करेगा तो ये माइनस उठ के यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। अब देखो यहाँ इसकी रिजन बनाओगे तो क्या होगा, ये इसको तोड़ेगा डबल बॉन्ड को, ये बॉन्ड यहाँ खिसकेगा, ये ऑक्सीजन यहाँ आएगा, मतलब ये ऑक्सीजन से मतलब यहाँ से उठ के किस पे आ रहा है, इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे, ऐसे कार्बन पे आता जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये ऑक्सीजन कहाँ, ये ऋणायन कहाँ, देखो ऑक्सीजन से उठ के कहाँ आ रहा है, ऑक्सीजन से उठ के कार्बन पे आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन से उठ के ऑक्सीजन से उठ के कार्बन पे। और हमें पता है कि ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन इस ऋणायन को उतनी अच्छे से नहीं रख पाएगा, क्योंकि वही ऋणायन को अपने पास, ऋणावेश को अपने पास उतनी अच्छे से रख पाता है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता जितनी अधिक होती है, मतलब ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से अधिक है, हमें पता है। तो मतलब कार्बन इस ऋणायन को ऑक्सीजन की अपेक्षा उतनी अच्छी से नहीं रख पाएगा, मतलब समझ रहा हूँ मैं, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं रख पाएगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये जो ऑक्सीजन है,
इसकी विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से कम है, और यहाँ पे जो ऋणायन है वो ऑक्सीजन पे, यहाँ पे है वो कार्बन पे है। मतलब इसमें देखेंगे आप जो अनुनाद हो रहा है वो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे ऋणायन आ रहा है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं जब अनुनाद हो रहा है तो वो ऑक्सीजन से उठ के कार्बन पे आ रहा है। ठीक, इसमें ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे जा रहा है, इसमें ऑक्सीजन से कार्बन पे आ रहा है। इसीलिए हम क्या देखते हैं कि जो ये वाला जो आयन है ये ज्यादा स्थायी है इसके अपेक्षा, इस वाले आयन की अपेक्षा। अब कहोगे सर क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो ऋणायन है वो ऑक्सीजन पे है, लेकिन यहाँ पे जो ऋणायन आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है? कार्बन पे, ऋणावेश वो कार्बन पे आ रहा है। और हमें पता है ऋणावेश जब अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व पे होता है तो वो अधिक स्थायी होता है। ठीक, तो यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता किसकी? ऑक्सीजन की है। यहाँ पे विद्युत ऋणात्मक कार्बन की। यहाँ पे इन दोनों में विद्युत ऋणात्मकता किसकी सबसे ज्यादा? ऑक्सीजन की। तो हमारा ये वाला ज्यादा स्टेबल, मतलब ये वाला आयन ज्यादा स्थायी है। तो कौन सा आयन ज्यादा स्थायी है हम आपको बता देते हैं, कौन सा? CH3COO- वाला आयन। इस वाले आयन से क्या है? ज्यादा स्थायी है। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि हमारा एथेनोइक अम्ल फिनॉल से ज्यादा जो है अम्लीय है। क्या कहा जाता है? कि जो हमारा एथेनोइक है CH3COOH ज्यादा अम्लीय है। किससे? किससे ज्यादा अम्लीय है? इससे ज्यादा ज्यादा अम्ली है। ठीक, इसको हम क्या करते हैं एक बॉक्स में दे देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। ठीक, ये है हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, ये ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।